जून की रात में दिल्ली की बुराड़ी में एक परिवार के सभी 11 लोगों ने बड़े ही रहस्यमय तरीके से खुदकुशी कर ली थी। इस खुदकुशी कांड की गुत्थियां अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है कि सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला दावा वायरल हो रहा है। हम आपको इस दावे का सच बताने जा रहे हैं। सोशल साइट पर जो दावा किया जा रहा है वह कुछ यूं है। बुराड़ी के परिवार के सभी 11 लोगों का पुनर्जन्म हो गया है। सूरत में एक पारसी महिला ने बच्चों को जन्म दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये सभी बुराड़ी के लोग ही हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बुराड़ी में रहने वाले ललित भाटिया के परिवार के 11 लोगों ने प्लान करके खुदकुशी की थी। घर के रजिस्टर में लिखा मिला था कि घर के सभी लोग फंदे से लटकेंगे, उनके हाथ बंधे होंगे, इनमें से किसी की मौत नहीं होगी बल्कि नई जिंदगी मिलेगी। 10 लोगों के शव घर में रॉड से लगे फांसी के फंदे पर लटकते मिले, जबकि ललित भाटिया की मां का शव कमरे में चारपाई पर पड़ा था। तो सवाल उठता है कि अब सोशल मीडिया पर पुनर्जन्म के दावे कैसे वायरल हो रहा है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बुराड़ी के ललित भाटिया के परिवार को नई जिंदगी मिल गई? ये मैसेज और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीर देखकर लग रहा है कि ये किसी अस्पताल की तस्वीर है जिसमें एक लाइन से 11 बच्चे रखे गए हैं। वायरल तस्वीर के साथ पुनर्जन्म का दावा किया जा रहा है। फोटो के साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें एक महिला के पेट से कई बच्चों का जन्म होते दिखाया गया है। सेट न्यूज़ की रिपोर्ट।